अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप? तो उम्मीद करते आप सब ठीक हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो आज फाइनली 3-4 दिन के बाद आज बारिश स्टार्ट हुई, बारिश बंद हो गई थी और फिलहाल अभी धूप भी है और बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। और हमारी आवाज़ नहीं आती होगी, बहुत कम हो गई है, इसलिए हमारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ गला ख़राब हो गया। तो फिर ये देखिए बारिश हो रही है और बड़ा ही प्यारा लग रहा है मौसम। बारिश होती तो बहुत अच्छा लगता है क्या? तो आप देख सकते हैं बारिश हो रही है और ये पूरे प्लांट भी सब धुल गए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इतनी बारिश होने के बावजूद भी हमारे बिल्डिंग में पानी ही नहीं है, पानी तो दिमाग ख़राब करके रख दिया है, हमारे घर में पानी ही नहीं है। और ये देखो बारिश हो रही है, पर इस बारिश के पानी से तो हम कुछ कर नहीं सकते क्या? से कपड़े वगैरह ये सब खाना पीना धोना फर्शी वगैरह नहीं कर सकते ना। तो चलिए अभी, पर धूप भी हो रहा है और बारिश भी हो रहा है, क्या रेमबो आएगा क्या? कुछ प्लॉट जा रहे हैं, बादल काले बादल जा रहे दिख रही थी, क्या बोलती आया हो उसमें कैप्चर हुआ होगा, ऊपर देखने में बारिश ही नहीं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं मिस्ट्री स्कूल से आ चुकी है और साहिल सो गया था, साहिल भी उठ गया है और सब अपने अपने होमवर्क कर रहे थे। ये देखें मिस्ट्री होमवर्क कर रही है। हेलो गाइस, आ चुकी मैं। तो मिस्ट्री अपना होमवर्क कर रही है और मेरा तो आवाज़ बहुत ही आवाज़ बैठ चुका है, आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही है और मैं तो बिल्कुल बहुत आज बहुत परेशान है, इसलिए परेशान हूँ कि आज हमारे घर में पानी ही नहीं, आज या कल से ही पानी नहीं है और पानी के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता है। और जैसे कि किचन विचन साफ़ हो तो फिर काम भी होता है हमारा, मगर किचन में मतलब साफ़ नहीं होना तो काम करने का मज़ा नहीं आता है, और पानी रहता है तो सब हो जाता है तो फिर अच्छा लगता है, फिर जल्दी जल्दी सब काम हो जाता है। तो अभी तो गाइस ऐसा चल रहा है कि हमारी बिल्डिंग में पानी का प्रॉब्लम चल रहा है और शायद 3 महीने से लाइट बिल ही नहीं भरा गया है, इसके लिए पानी शायद मोटर भी ख़राब हो गया है पानी बोरिंग का। तो अब अभी सब जमा करेंगे फिर वापस से पैसा, फिर उसके बाद शायद सोसाइटी का ये होकर बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो रखा है कि इतना सारा लाइट बिल भी आया, ये हर महीने भरे ही नहीं लाइट बिल। तो हम लोग इधर बंद हो गए, चालू कर दो, साहिल सुनते क्यों नहीं वो बात, चालू तो कर देने का ना। तो अभी 6 बज गए हैं, इन लोग कपड़े वपड़े हो गए इन लोगों के चेंज, अभी लोग होमवर्क करेंगे और मैं जा रही हूँ अभी किचन में खाना बनाऊँगी, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ये देखिए मिस्टी क्या कर रही है, मिस्टी बताओ और इधर साहिल क्या कर रहे हो, वो भी होमवर्क कर रहा है, तो इन लोग सब होमवर्क करते हैं और मैं जा रही हूँ आज किचन में, आज किचन में आज मैं फिश बनाऊँगी यम्मी और टेस्टी सा फिश बनाऊँगी। और गर्मी बहुत हो रहा है, आज बारिश भी हो रही थी और ये गर्मी और बारिश की वजह से ना तबीयत ख़राब हो जा रहा, कभी ठंडी लग रही कभी गर्मी लग रही और हमारी आवाज़ तो एकदम बैठ गई, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ किचन में। तो गाइस अभी मैं किचन से आ गई हूँ, फिर आके बैठ गई हूँ और अभी सब मैंने मसाला वगैरह सब पीस लिया है और फिर उसको सब अच्छी तरह से धो लिया है, अब उसमें मसाला मिक्स करके तड़का लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं आज फ्राई नहीं करके बनाना है, बस ऐसे ही सिंपल से बनाऊंगी। तो मैंने अभी सब करके रख दिया है, फिर अभी मैं आ गई हूँ
और इन लोगों को देखने के लिए इन लोग क्या कर रहे हैं, तो इन लोग बैठे हैं। मम्मी ससा मतलब ससा उसको बोलते हैं ना डक को, रैबिट को। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, इधर दिखो इधर दिखो इधर। मुझे मराठी नहीं आती बाबू, रैबिट बोलती तो मैं बोल रही खरगोश को बोल रही हिंदी में ससा को क्या बोले, खरगोश ही बोलते हैं। खरगोश अभी देखिए मराठी में पूछ रही थी, मुझे क्या मालूम मराठी में क्या है। अभी बोलती मेंढक, टू टाइम्स बोला जी, नहीं डक बोला, डक डक वो डक डक को बत्तख बोलते हिंदी में, हिंदी में बत्तख बोलते हैं। इसका सा मुझे नहीं मालूम, मैं सोची शायद वो बत्तख को बोलते हो, पर बत्तख को नहीं खरगोश को बोला जाता है। बुरी लग रही है मतलब आवाज एकदम भारी हो गया ना, मेरे को बोलने को ना कट से ये हो, आवाज मेरी बहुत ज्यादा ही बैठ गई है ना। आप लोग भी कमेंट में बताइए, आवाज मेरी अच्छी नहीं आ रही है, फिर भी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और ये साहिल की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसी तरह से आवाज चला गया, पता नहीं टॉन्सिल कैसे, और मेरी भी उसी तरह से हुई, पता नहीं ठंडा पानी पीने की वजह से कि क्या। ठंडा पानी तो पीती ही नहीं हूँ, फिल्टर का ही पीती हूँ, पर आवाज एकदम बैठ गए, ठंडा हो जाता है ना फिल्टर का पानी में, और ऐसा मौसम भी ठंडी है इसके लिए। मौसम अच्छा है, बारिश होती है तो ठंडी लगती है, बारिश नहीं होती तो गर्मी, अभी गर्मी लग रही है, इधर बैठो गर्मी लगती है, उधर हॉल जाओ तो बहुत ही गर्मी लगती है। और ये साहिल को देखे, साहिल को ज़्यादा ही ठंडी लगती है, कभी भी जैकेट पहने रहेंगे, इसकी तो अभी तक सर्दी ही ठीक नहीं हुई है। आवाज करके दिखाओ, पूरे नाक जाम है और उसको एकदम आवाज ही नहीं सही। बोलो साहिल कुछ, क्या बोलो, मेरी जैसी आवाज हो गई ना, आवाज करो, मेरी जैसी आवाज हुई ना, खांसते नहीं बोले, आ मम्मी बोलो, मम्मी उसको खांसी हो रही है, अभी छूट गई बोलने, बोलो तो बोलते खांसी करके दिखा रहे हैं। अभी तबीयत भी ठीक नहीं है सर, मेरे भी आवाज ही हो गया। मम्मी और मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी तो होती है, नहीं मैं बस गर्मी नहीं ले जा रही किचन में, ये सब करके फिर उसके बाद आप से मिलती हूँ। यस, तब तक के लिए बाय। ये हमारा यमी टेस्टी फिश रेडी है, हमारा खाना हमारा डिनर रेडी हो गया है, तो चलिए आप लोग भी आइए हमारे साथ, बिस्मिल्लाह करिए, तो चलिए हम लोग फिश खाते हैं। तो गाइस हमारा खाना बन चुका है और अभी मैं आ चुकी हूँ हॉल में, तो मैंने ये क्या बोलते हैं, ये वीडियो मेरा कंटिन्यू था और मैंने वीडियो एंड नहीं किया था, मुझे एंड भी करना था, तो इसके लिए मैं माज़े चाहती हूँ। और अभी थोड़ा मैं इधर आ गई हूँ, इसलिए चली गई क्यों, इसलिए नहीं आना, मतलब नहीं आना हमारे, ये देखो इग्नोर करो इस लड़की को, छोड़ो चलो जाओ, मुझे बात भी नहीं करना, मैं अकेली हूँ, ओके हमारा खाना पीना बन चुका है और मैं खाना बनाने में नहीं दिखाई, बस थोड़ा सा एक क्लिप ली हूँ बस, उसके बाद में अभी फिर अभी हम बज गए कितने, 9 बज गए और हमारे खाने पीने होने, अभी खाना पीना नहीं खाया है तो थोड़ी देर में खा लेंगे, फिर मैं वीडियो का पहले एंड ले लूँगी उसके बाद। तो फिर गाइस ये ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें,
बाय बाय।